इसमें बोला है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो इसमें ही कहा गया है जो हमें लिस्ट, इसमें बोला है कि कौन कौन से टर्म है अपने एपी है, ठीक है, क्लियर। मतलब कैसे क्या? इसमें एपी प्रूफ करना है, एपी है कि नहीं है। कौन एपी अगर आपको प्रूव करना है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। हाँ, कॉमन डिफरेंस अगर सेम कॉमन सेम आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो एपी है, अदरवाइज इट इज नॉट एपी, क्लियर। हाँ, इस लिस्ट में अगर वही डिफरेंस बार हर एक नंबर पे प्लस होके आता है तो वो हमारा एपी वरना नहीं है। हाँ देखो, जैसे जैसे ये वाला अपन ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्या है, फोर, ठीक है, फोर टेन, क्या है, फोर टेन वो सिक्सटीन 10, 16, 22। 22, ठीक है। अब डी डी का कॉमन डिफरेंस लगाओ तो 8 10 -4, ठीक है, सर पहला इसमें है डी चार वन, दस डी सोलह टू की वैल्यू निकालोगे 16 -10, पहले देख लो। डी थ्री की वैल्यू हाँ हाँ सर, निकालोगे 22 अपॉन 16, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया, 6। इस दोनों का डिफरेंस कितना आया, 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, देखो हाँ इसका 22 में से 6 छह, माइनस करो, अच्छा 6, छह, जो ठीक है। जब ये 16 कॉमन में 6 डिफरेंस सेम लगा है तो तो हम 22 आ लोग जाएगा। बोल सकते हैं इट इज इन एपी। क्लियर सर क्लियर। डी वन और डी टू ये क्या होगा हमारा, ये डी वन और डी टू का। ये है ना, ये एक डी वन की वैल्यू निकालिए, एक डी टू की वैल्यू निकालिए, ये फॉर्मूले लगा के, ठीक अच्छा है। तो मैं लिख लूँ a2 - a1, अगर मैं देखता हूँ तो a2 हमारा 10 है, माइनस में 4, ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब d2 का देखता हूँ मैं, d2 का भी यही फॉर्मूला लगा दो, नहीं, d2 का अगर लगाना है ना तो a3 - a2 लगा दो, ठीक है। d2 हमारा हो जाएगा इसका थर्ड, मतलब कि थर्ड है 16 - 10, ठीक है, तो d2 हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, d3 निकालना है तो हमें वो a4 - a3 करना होगा, ठीक है सर। तो d3 = a4 क्या हमारा 22 - 16, तो d3 आ गया हमारा 6। तो सब इन तीनों मतलब कि जितने भी निकाला उसमें सेम नंबर कॉमन फैक्टर हम कॉमन डिफरेंस हमारा 6 आ रहा है, तो इट इज अ एपी। सर ठीक मैं लिख लूंगा, एक सेकंड, मैंने इतना तो बोल दिया लिखने दो। है। सर मैं ये लिख दूं, कॉमन डिफरेंस इज 6, इट इज अ एपी। हेलो, हो गया। सर मैं ये कह रहा था, मैं देखो अब इसका 6 6 कॉमन, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा 6 आ रहा, तो मैं ये लिख दूं कॉमन डिफरेंस 6 6, इट इज एपी, ठीक यस। है। अब मैं सर सेकंड वाला मैं खुद करूंगा, आप चुप रहे, मैं खुद करूंगा, ठीक बोलते जाओ क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। ठीक है सर। देखो हमारा जो सेकंड वाला है लिस्ट, वो है 1 1 -1 -3 -5, फिर आगे स्लैश स्लैश देके है। तो d1 = a2 - a1, तो d2 हमारा -1 है, a1 हमारा 1 है, तो 1 - 1 तो -2 हो गया। अब मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ d2, तो a3 - a2, ठीक है, तो d2 हो जाएगा हमारा, इसमें थर्ड वाली यूनिट है -3, ठीक है।
ठीक है।